ઘમંડી સૌતેલી માં. एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी. उसका पति महेश व्यापार करता था. वो बहुत अमीर थे. उसकी श्वेता नाम की एक सौतेली बेटी थी. श्वेता के बर्थडे के दिन विमला बहुत सारे नए नए कपड़े लाई. श्वेता उन्हें देखकर, माँ पहले ही मेरे पास बहुत सारे नए कपड़े हैं ना, फिर ये सब क्यों लाए? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए कई सारे VIP लोगों को आमंत्रित किए हैं. उन सबके सामने तुम्हें अच्छा तो दिखना चाहिए ना. कम से कम इतने कपड़े भी नहीं खरीदे तो सब सौतेली माँ भेदभाव दिखा रही है कहकर मुझे कहेंगे. वैसे तुम्हारी इतनी देखभाल करके भी क्या फायदा, मैं हमेशा तुम्हारी सौतेली माँ ही रहूँगी ना. माँ तो नहीं बन सकती. श्वेता अपने मन में, इतने सारे कपड़े और खिलौने रहकर भी क्या फायदा, एक अच्छा गाउन नहीं पहन सकती, एक खिलौने से भी नहीं खेल सकती, सोची. उस दिन बर्थडे पार्टी में विमला श्वेता के लिए खरीदे खिलौने और कपड़े सबको दिखाई. पार्टी में सबके सामने एक प्लेट भर के रोटियां रखकर उसमें तरह तरह के सालन डालकर लेकर आई. सबके सामने श्वेता को रोटियां खिलाने लगी. सब, अगर इसकी अपनी माँ भी जिंदा होती तो इतनी अच्छे से इसकी देखभाल नहीं करती थी कहकर सोचे. थोड़े रोटियां खाने के बाद, माँ अब बस है माँ, मेरा पेट भर गया है माँ. विमला, ऐसे कैसे पेट भरेगा, अब तुम्हें ये सब खाना होगा कहकर ठूस ठूस कर रोटियां खिलाने लगी. श्वेता कुछ नहीं कर पाई और ना चाहकर भी रोटियां खाने लगी. विमला केक स्वीट और आइसक्रीम्स भी श्वेता को जबरदस्ती खिलाने लगी. अब बस है माँ, मैं और खा नहीं सकती. सब देख रहे हैं, नखरे करे बिना शराफत से ये खाओ. थोड़े दिन बीते. मनीष के व्यापार में बहुत नुकसान आने के कारण उसे कर्ज करना पड़ा. इस सदमे में उसने बिस्तर पकड़ लिया और थोड़े दिन के बाद वो चल बसा. पूरा जायदाद घर सब कर्ज देने वाले जब्त कर लिए. विमला श्वेता गाँव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे. विमला श्वेता को घरों में काम करने के लिए भेजने लगी. घर का सारा काम श्वेता से ही करवाने लगी. मगर विमला बिना कोई काम किए घर में आराम से बैठती थी. एक दिन श्वेता काम करके बहुत देर से घर आई. माँ मेरे काम करने वाले जगह पर उनके मेहमान आए हैं. माँ काम बहुत ज्यादा था, मैं बहुत सारे बर्तन मांजी, बहुत सारे कपड़े धोई, बहुत थक गई हूँ माँ, सुबह भी लेट हो रही है कहकर कुछ खाए बिना ही चली गई थी. बहुत भूख लग रही है माँ, अब पका कर खाने जितनी शक्ति नहीं है मुझ में, थोड़ा खाने के लिए कुछ है तो दो माँ. विमला एक थाली में एक रोटी थोड़ा अचार एक हरी मिर्च लाकर उसे दी. माँ बहुत भूख लग रही है माँ, एक रोटी से पेट कैसे भरेगा. विमला गुस्से से, घर में सिर्फ यही है महारानी जी के लिए तीन वक्त का खाना खिलाने, तुम्हारे पिताजी ने करोड़ों रुपए नहीं छोड़ कर गए, तुम्हारे लिए यही काफी है, पसंद है तो खाओ नहीं तो छोड़ दो, इतना कुछ करने की क्या फायदा, सौतेली माँ हूँ कहकर नाम पड़ गया है ना अब. इतने में एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आई. माँ खाना खा के दो दिन हो रहे हैं, खाने के लिए कुछ है तो दो माँ. हमारे घर को देखकर भी हमें भीख मांगने के लिए कैसे सोचे, जाओ यहाँ से. दादी ये लो, ये रोटी आप ले लो कहकर अपने हाथ में के थाली को उस बूढ़ी औरत को दी. विमला गुस्से से, ऐसे दान करते करते तुम्हारे पिताजी अपनी सारी जायदाद खोकर हमें यहाँ तक लाए, अब तुम भी उनके जैसे बन रही हो क्या. श्वेता कुछ नहीं बोली. इतने में वो बूढ़ी औरत लक्ष्मी माता के जैसे बदल गई. श्वेता तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैं ऐसे आई हूँ, तुम अपने माँ को छोड़कर आ जाओ, तुम्हारे खोए हुए सारे जायदाद तुम्हें लौटा दूंगी. श्वेता एक मिनट भी सोचे बिना, इस दुनिया में मेरे माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं है, मेरे माँ के बिना आपके देने वाली संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके मेरे माँ की देखभाल करूँगी, मेरे माँ के लिए भी मेरे सिवा और कोई नहीं है,
उसके बातें सुनकर विमला के आंख भर आई। विमला देखा ना, तुम हमेशा श्वेता को अपनी सौतेली बेटी के जैसे ही देख रही थी, मगर तुम्हें वो अपनी माँ की तरह देखभाल कर रही थी। तुम्हारे लिए मेरे देने वाले संपत्ति को भी टुकराई। मुझे सबक मिल गया है माँ, इतने दिनों से श्वेता की अच्छाई के बारे में पता नहीं था मुझे। अब से मैं श्वेता को अपनी बेटी के जैसे देखभाल करूँगी। आप हमें संपत्ति नहीं दिए तो भी परवाह नहीं है। लक्ष्मी माता हाथ को घुमाई, बस वहाँ पैसों का ढेर गिरने लगा। विमला श्वेता उन पैसों से बहुत धनवान बने।